हर हर महादेव मित्रों, आज हम आपको महादेव के असली चमत्कार की एक ऐसी घटना बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका रोम रोम भगवान महादेव का नाम लेने लगेगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारिक घटना बताने वाले हैं जिसमें महादेव ने अपने दो फॉरेनर शिव भक्तों की किस प्रकार अलग अलग रूप लेकर मदद की, और इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, आंधी तूफान से तो वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं, और वो तो मौत को देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। तो आज की यह घटना हमें लिखकर भेजी है क्रिस्पा और सेलिना नाम की दो बहनों ने, और वे दोनों अमेरिका से बिलोंग करती है। साथ ही हम आपको बता दें कि ये चमत्कारिक घटना मात्र 2 महीने पूर्व की है। क्रिस्पा और सेलिना दोनों ही बहनें हिंदू धर्म को बहुत मानती थी और उन्हें उनकी संस्कृति जानने का बहुत मन था, और उन्होंने निश्चय किया था कि जब वे बड़ी हो जाएगी तो एक बार भारत जाकर हिंदू संस्कृति से जरूर जुड़ेंगी। तो जब वे 19 साल की हो गई थी तब उन्होंने भारत में जाने का निश्चय किया। चूँकि दोनों बहनों को पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा पसंद थे और बर्फ़ वगैरह जैसी भी उन्हें जगह बहुत पसंद थी, तो उन्होंने सर्वप्रथम केदारनाथ जाने का फैसला किया। केदारनाथ पहुंचने के बाद बाहर ही उन्होंने एक होटल में अपना एक कमरा ले लिया। अगले ही दिन सुबह उन्होंने केदारनाथ धाम में महादेव के दर्शन किए, उसके पश्चात संस्कृति से जुड़ने का थोड़ा सा प्रयास भी किया। उन्होंने वहाँ के बाजार में खरीदी की और इतनी अच्छी संस्कृति को देखकर वे काफ़ी प्रसन्न भी हुई। ऐसे ही दोस्तों 2 से 3 साल तक वे बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर इधर से उधर घूमते रहे और भारतीय संस्कृति को देखते रहे, पहचानते रहे और अपने अंदर भी ढालते रहे। उसके बाद दोस्तों 2020 का अप्रैल का माह चल रहा था और वे उस समय काशी में थे। काशी के बाहर ही उन्होंने अपना होटल में एक कमरा ले रखा था। तभी क्रिस्पा और सेलेना को उनके पिता का फ़ोन आया कि अमेरिका में कोरोना के हालत बहुत ख़राब है और तुम वहाँ अपना ध्यान रखना। चूँकि इस समय कोरोना ने इंडिया में इतना प्रभाव नहीं दिखाया था, इसलिए वे निश्चिंत हो गई और उन दोनों ने अपने पिता से भी यही कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम यहाँ पर एकदम सेफ है। उसके बाद इंडिया में भी धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी और मोदी जी ने 1 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। क्रिस्पा और सेलेना ने इस लॉकडाउन को इतना नहीं सोचा और 1 दिन अपने कमरे में ही अपना समय व्यतीत किया। उसके बाद स्थिति और बिगड़ गई और मोदी जी ने लॉकडाउन को 21 मई तक बढ़ा दिया। चूँकि वे दोनों बहनें फॉरेनर थी, इसलिए इंडिया के लोग उनसे दूर ही रहना पसंद कर रहे थे और उनसे इतने अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे और उन्हें सहयोग भी प्रदान नहीं कर रहे थे। साथ ही होटल छोड़ बंद होने की वजह से उन्हें अपना कमरा भी छोड़ना पड़ा, जिसके कारण वे रोड पर आ गए। इसी के साथ सारी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी बंद हो चुकी थी। अब उनके मन में यही डर था कि अब हम अमेरिका अपने घर जाए तो जाए कैसे। ऐसे में उन्होंने 2 से 3 दिन गार्डन में पेड़ के नीचे ही बिताए और महादेव से प्रार्थना करते रहे कि आप हमें घर किसी प्रकार भेज दीजिए। भले ही वे बाहर विदेश से थे, पर थे तो भोलेनाथ के भक्त और हमारे भोले बाबा तो एकदम भोले हैं, वे अपने भक्तों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। थोड़े दिन के पश्चात उनके सामने से एक आश्रम का जत्था आता हुआ दिखा, जिसमें कुछ बाबा व संत पुरुष थे। क्रिस्पा और सेलेना दोनों बहनों ने उनसे मदद मांगी और उन संत महात्मा ने उन दोनों बहनों को अपने आश्रम में स्थान दिया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हम यहाँ फंस चुके हैं और हम घर जाना चाहते हैं, साथ ही अपनी सारी व्यथा भी उन्हें बताई। इसके बाद आश्रम के श्रेष्ठ संत महात्मा ने उनकी मदद करने का फैसला किया। इसके बाद जो वहाँ पर संत थे श्रेष्ठ सबसे, उन्होंने अपने एक परिचित चीफ कमिश्नर से फ़ोन पर बात करके दोनों बहनों की व्यथा सुनाई। उन्होंने यह व्यथा समझी भी और उन्होंने एक बात कही कि आज रात 8 बजे एक फ्लाइट है, जो बिछड़े हुए लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो या फंस चुके हैं, उन्हें बाहर भेजने के लिए स्पेशल सरकार ने उपलब्ध कराई है। परंतु दोस्तों उस समय 7 बज रहे थे और फ्लाइट के बीच में मात्र 1 घंटे का समय था और 1 घंटे में वहाँ पहुँच पाना संभव नहीं था। फिर भी उन्होंने कोशिश की और क्रिस्पा और सेलेना दोनों बहनें एयरपोर्ट के लिए निकल गई। जैसे ही वे बाहर निकली, सामने एक ऑटो खड़ा था और वो ऑटो ड्राइवर उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था और उसने उनसे कहा कि आइए बैठिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। और उसने 1 घंटे के अंदर उन्हें एयरपोर्ट उतार दिया,
जब उन दोनों बहनों ने उन्हें पैसे देने के लिए कहा तो उसने कहा कि मेरा काम तो बस आपको यहाँ तक पहुँचाना था, आप अब जाइए। इसके बाद दोनों बहनें उस फ्लाइट में बैठकर अपने घर अमेरिका चली गई। और किस प्रकार महादेव ने अलग अलग रूपों में उन दोनों की मदद की, यह पूरा दृष्टांत उसने अपने पेरेंट्स को सुनाया और उसके पेरेंट्स भी यह सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए। अब हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार भोले बाबा ने अपने भक्तों की मदद की, या तो आश्रम के श्रेष्ठ मुनि बनकर, या चीफ कमिश्नर बनकर, या एक ऑटो रिक्शा वाला बनकर, जैसे भी, परंतु अपने भक्तों की परेशानी को उन्होंने ख़त्म कर ही दिया। क्योंकि दोस्तों, जब भी मैं अपने बुरे हालातों से घबराता हूँ, मेरे महादेव की आवाज़ आती है, रुक मैं आता हूँ। इसी के साथ हमें पूरी पूरी आशा है कि इस चमत्कारिक घटना ने बहुत प्रभावित किया होगा। अगर यह घटना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और ऐसे ही घटनाएं हमेशा प्राप्त करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए आप सभी भक्तों को हर हर महादेव।